السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي तमाम किस्म की तारीफ़ तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है। उसी रब्बे रहमान से दुआ करें लाल आलमीन दरूद नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम पर हो। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है, कल 14 तारीख जुमा का दिन इंशाअल्लाह ईदुल फितर की नमाज हम और आप अदा करने वाले हैं। जैसे पहले हम ईदुल फितर की नमाज ईदगाहों में मस्जिदों में अदा करते थे, आज वो माहौल नहीं है। हालात के एतबार से हमें और आपको ईदुल फितर की नमाज अपने घरों में ही अदा करनी पड़ रही है। तो हम और आप अपने घरों पर ईदुल फितर की नमाज कैसे अदा करें, मैं आपके सामने उसका तरीका बताते चलूं। आप बगौर समात फरमाएं और उसे अच्छी तरह से देख लें और कल की तारीख में आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों पर नमाज ईद उल फितर को अच्छी तरह अदा कर लें। सबसे पहले तो आप अपने जहन में बात रखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी है तो आप आगे रहेंगे और आपकी बीवी पीछे रहेगी। अगर आप अंगूठा छाप हैं, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं, आपकी बीवी आलिमा भी है, तब भी आपकी बीवी नहीं पढ़ा सकती है, आप ही पढ़ाएंगे और आपकी बीवी पीछे रहेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास एक बच्चा है तो आप अपने बच्चे को अपने दाएं हाथ की तरफ खड़ा करेंगे, अपने साथ बराबर ऐसे खड़ा करेंगे और अपनी बीवी को पीछे। अगर आपके पास में एक लड़का नहीं बल्कि आपके पास दो चार छह लड़के हैं तो आप बिल्कुल अपने पीछे अपने बच्चों को खड़ा कर लेंगे, और अगर उसके साथ साथ लड़कियां हैं तो अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को अपनी बीवी के सब में खड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हम और आप जब नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ना, हमको इस बात का हमें और आपको इल्म होनी चाहिए। सबसे पहले हम खड़े हो जाएं, वजू की मुकम्मल अच्छे से वजू बना करके हम खड़े हो जाएं, और जो तरीका है नमाज पढ़ाने का, सब में खड़ा करने का, अगर लेडीज़ है तो पीछे रहेगी, अगर आपका अपना भाई है या आपका अपना बेटा है या आपका अपना दोस्त है या आपका अपना जो भी आपके अपने घर का आपके साथ में रहने वाला है वो आपके पीछे रहेगा। आप नमाज के लिए खड़े हो गए, सबसे पहले आप अल्लाह अकबर बोलेंगे। मैं आपको दो बच्चों के साथ लेकर के पूरी नमाज का तरीका पढ़ा करके आपको प्रैक्टिकल तौर पे बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बेटा असलम और फैजान, आप हमारे पीछे आ जाइए, हम आपको बताते चले कि किस तरह से हमें और आपको अपने घरों पे नमाज पढ़ना है। आइए करीमुल्लाह साहब, आप भी आ जाइए, दो से चार मिनट का टाइम जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप खड़े हो जाइए। चलिए समझ लीजिए, ये हमारे घर के अफराद हैं, ये हमारे घर के सदस्य हैं, मेम्बर हैं। अगर साथ साथ हमारी बीवी है या हमारी बच्चियां हैं तो ये पीछे सब में खड़े होंगी, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बराबर पे नहीं बल्कि पीछे खड़ी होंगी। लेडीज़ पीछे रहेंगी और जेंट्स इमाम के पीछे होंगे। मैं इमाम हूँ, आपके सामने नमाज पढ़ाता हूँ। सीधी सीधी बात है, पहली तकबीर पर आप अल्लाह अकबर बोल के चुप जाएंगे तो सात तकबीर सात मरतबा नीचे उठा, अपने हाथ को उठा करके सीने पर, दोनों साबित, आप हाथ उठाएँ या ना उठाएँ दोनों साबित है, मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताते चल रहा हूँ। और इसमें कोई तकबीर नहीं है, कोई अकामत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله سبحان الله. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ناظرين الكرام یہ ہو گئی آپ کی عید الفطر کی نماز. اگر آپ کے گھر سے کے افراد سے زائد لوگ ہیں 25-50 لوگ ہیں تو اس کے بعد آدمی کھڑے ہو کر کے جو بھی اسے دین کی باتیں اسے یاد ہے اس کے ذہن میں اللہ رسول کی بات یاد ہے وہ الحمدللہ خطبہ دے. یہ آپ کی عید کی نماز مکمل ہو چکی. اور آپ کو شروع میں تکبیر کیسے کہنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کو ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے ہی رہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا آپ کو تکبیر ہمیشہ ہمیشہ اپنی زبان پہ اس وقت پورے دن پورے صبح پورے شام تک کا 3 دن تک مسلسل آپ رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام اس بات کا آپ خیال رکھیں گے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ اپنے فطرے کو ادا کر لینا. ایک آدمی پر 2.5 کلو جو آدمی کھاتا جس کی استطاعت ہے 20 کے کھاتا ہے 25 روپیہ کا کلو کھاتے ہیں یا 40 روپیہ کا کلو کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں وہ 2.5 کلو کا الحمدللہ اپنے گھر سے اس اناج کو غریب مساکین تک کا اچھے سے اسے پہنچا دیں ان کا حق ان کو دے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے لیے بھی دعا کریں اور خاص طور پر اس وبا اس بیماری کے لیے خصوصی طور پر اپنے ہاتھ کو رب العالمین سے اٹھا کر کے دعا کریں. اللہ رب العالمین جلد سے جلد اس بیماری کو اس وبا کو دور کر دے ہم تمام لوگوں پر رحم عطا فرما دے. رب العالمین جو بیمار ہیں
हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों में शिफा अता फरमा दे। मेरे भाई और दोस्तों, आप वीडियो को अच्छे से समझ लें, ना समझ में आए तो इस वीडियो पर नीचे मोबाइल नंबर है, आप वहां से कॉल करके दरियाफ्त कर सकते हैं, और सुनने के बाद में इस वीडियो को आगे भी आप शेयर करें ताकि हमारे दूसरे भाई को भी नमाज़ ईद उल फितर का तरीका अच्छे से पता हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के मेहनतों को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।